कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल से वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। राहुल गांधी ने कल ही कोरोना, रोजगार और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने लिखा था कि ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। राहुल गांधी ने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की एक रिपोर्ट भी जनता के सामने पेश की थी। उन्होंने जिसमें ट्वीट करते हुए लिखा था कि CMIE के अनुसार अप्रैल में लगभग 8% पर जा चुकी बेरोजगारी दर, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगी कड़ी पाबंदियों का यह असर दिखाई दे रहा है। अप्रैल में 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जगह टीकाकरण, ऑक्सीजन की किल्लत और आर्थिक मदद देने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 13,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के लिए या 45 करोड़ भारतीयों का पूरी तरह से टीकाकरण या 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर या 2 करोड़ परिवारों को एक न्याय योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति महीने देना। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस वार पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ पलटवार सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।